श्री कृष्ण दोस्तों, राधा की रसोई में आज मैं लेकर आई हूँ एक मसाला की रेसिपी। और इसका खास बात यही है कि ये मैंने नहीं बल्कि हमारे पति देव ने बनाया है। तो वो किस तरह बनाते हैं कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बैचलर्स भी इसे बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अंडा मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ कटिंग किया है। एक दो प्याज है, एक टमाटर, एक शिमला मिर्च, तीन से चार हरी मिर्च और लहसुन अदरक को कद्दूकस कर लिया है। तो एक तरफ अंडा भी फ्राई हो चुका है बॉयल करके। तो इसमें देखिए ऑयल गरम करके उसमें डालेंगे साबुत जीरा, साबुत सूखी मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे लगभग आधा इंच का, और दो तेजपत्ता इन्होंने डाला है, और साथ ही इसमें ग्रीन चिली डाल दिए हैं। और इसमें अब डालेंगे प्याज। प्याज को महीन इस तरीके से कटिंग करके फ्रेंड्स बनाएंगे तो सच में बहुत ही अच्छा ये अंडा मसाला बनेगा। तो यहाँ पे प्याज को गलने के लिए ये डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार लगभग दो छोटा चम्मच नमक, जिसे प्याज गल भी जाएगा और भून भी जाएगा। तो अच्छे से प्याज भून चुका है, तो अब इसमें इन्होंने डाला है शिमला मिर्च और कद्दूकस किए हुए लहसुन और अदरक, ताकि वो भी साथ में अच्छे से भूनेगा तो उसका फ्लेवर इन्हेंस होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं सॉफ्ट हो चुका है। तो एक तरफ अब मसाला निकाल लेते हैं। तो छोटा चम्मच हल्दी पाउडर निकाला गया है, धनिया पाउडर छोटा चम्मच, छोटा चम्मच ही ये मिर्चा पाउडर है क्योंकि तीन लोगों के लिए है तो कम ही तीखा डाला जा रहा है, और छोटा चम्मच जीरा पाउडर, ये बिरयानी मसाला है छोटा चम्मच, छोटा चम्मच किचन किंग मसाला, इसे बहुत ही टेस्टी होता है। और ये यहाँ पे एक कटा हुआ प्याज डाल दिया गया है। तो साथ ही इसमें डाल देंगे सूखा मसाला बिना पानी डाले हुए, और सूखा ही इसको भुनेंगे। शायद यही खासियत है, यही ट्रिक है इनके अंडा मसाला बनाने में, ताकि ये सूखा ही भुनते हैं, बिल्कुल एक बूंद भी पानी इसमें नहीं डालते हैं। और जब ये सूखा ही भुन जाता है तब इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और फिर से वापस इसे भूनते हैं। शायद यही ट्रिक है कि इनका अंडा मसाला इनके हाथों का बनाया हुआ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जब भून जाए तो इसमें भुनने के बाद थोड़ा सा फिर से पानी डाल के और इसमें फ्राई किए हुए अंडे डाल देने हैं, और इसमें डाल देंगे गरम मसाला लास्ट में। अब इसको 2 मिनट पका लेंगे। अब देख सकते हैं बिल्कुल सूखा सूखा सा, ज़्यादा ग्रेवी नहीं है और ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, अंडा मसाला बनके रेडी है। तो गर्मा गर्म घी लगे हुए रोटी में से और थोड़ा सा साथ में अनियन काट लीजिए और ये गर्मा गर्म सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी लगेगा। इस तरीके से जब भी आपको बनाना हो रोटी के साथ खाने के लिए तो इस तरीके से बनाइए। यकीन मानिए इनके हाथ का ये अंडा मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप सब भी ज़रूर बनाएं और परिवार को खिलाएं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।